तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ गूगल की जो फोटोज ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर का एक नया अपडेट या फिर बोल सकते हैं एक नया फीचर जो कि रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है सभी गूगल फोटोज यूजर को, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो चाहे आप iOS यूजर हो। तो ये फीचर बहुत ही कमाल का है। बट ये फीचर क्या है, ये गूगल प्लस के जो मेंबर हैं उन्हीं को मिलेगा, या फिर अगर आप नॉर्मल यूजर हैं आपको दिखेगा, आप यूज भी कर सकते हैं बट उसको एक्चुअल में सेव नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रीमियम यूजर के लिए है। क्या ये फीचर है? इस फीचर का नाम है मैजिक इरेजर। तो ये फीचर कैसे अपन यूज कर पाएंगे अपने गूगल फोटोज में, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल फोटोज के नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, तो गूगल की फोटोज ऐप को जाकर पहले तो आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको किसी भी अपनी फोटो को चले जाना है जिसमें आपको ब्लर वाले जो फेस है उसको एडिट करना है, या बोल सकते हैं उसमें किसी को चीज़ को आपको इरेज करना है। लाइक मुझे इसमें से किसी चीज़ को इरेज करना है, तो आपको यहाँ पर एक नया फीचर मिल गया। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे वो खुद ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैजिक इरेजर का ऑप्शन। जैसे इस वाली फोटोज में नहीं आ रहा, वो जिस फोटोज में उसको लगता है वो खुद ही वहां पर एड ऑन हो जाएगा। जैसे कि जिस फोटो में, जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं आपको उसको लग रहा है कि मैजिक इरेजर की जरूरत है, तो उसमें ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला फीचर वर्क करता है। आपको सिंपल यहां पर क्लिक करना है और जिस चीज को भी आपको इसमें से अरेंज करना है पहले तो वो आपको खुद ही बता देगा। जैसे कि उसने खुद ही ऑटोमेटिक वो फूल को सेलेक्ट कर लिया और जैसे आप इरेजर ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज को अरेंज करना है तो आपको उसको बस सेलेक्ट कर लेना है, वो वहां से इरेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैजिक इरेजर वाला फीचर काम कर रहा है। फिलहाल ये जो फीचर आया है गूगल वंस वालों के लिए, अगर आप गूगल वंस यूजर हैं तो ये आपको यूज करने को मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं आप उसको यूज तो कर सकते हैं बट इसको सेव नहीं कर सकते। सेव करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको इसको खरीदना है, तो ही आप अनलॉक करने के लिए बोलेगा। जैसे ही अनलॉक पे जाएंगे तो आपको खरीदने के लिए बोलेगा, तो ही अपन इसका यूज कर पाएंगे। बट ये फीचर बहुत ही अच्छा है, जो उसका AI ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, क्योंकि अगर मैंने इसका यूज़ करके देखा मुझे तो डेफिनेटली बहुत शानदार लगा। इतना अच्छा तो कोई सा भी AI नहीं कर रहा है जितना अच्छा इसका गूगल का फोटोज़ का चल रहा है मैजिक इरेजर वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है जो कि मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। जिस फोटो वो इसको लगेगा नहीं कि इस फोटो में किसी क्रॉप की जरूरत है या बोल सकते हैं किसी मैजिक इरेजर की जरूरत है, तो उस फोटो पे वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि आप यहाँ पर ब्लर फोटो भी कर सकते हैं। जो उसका AI ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है, मुझे तो बहुत सही लगा। जैसे ये फोटो को ब्लर कर दिया और अगर आपको यहाँ पर मैजिक इरेजर का भी ऑप्शन मिल जाएगा और खुद ही सजेस्ट कर देगा, जैसे कि दो लोग वहां पर दिख रहे हैं वो खुद ही सजेस्ट करेगा उन दो लोगों को। आप देख सकते हैं उसने खुद ही सजेस्ट कर लिया और जैसे ही मैं इरेज ऑल पे क्लिक करूंगा वो दो लोग वहां से गायब हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से वाला फीचर काम करता है यार। एक्चुअल में अगर आपके पास गूगल का पिक्सल मोबाइल है तो आपको ये वाला फीचर प्री इंस्टॉल और बहुत ही प्री, मतलब आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली उस फीचर का यूज़ कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो एक बार यार इसको यूज़ करके ज़रूर देखना। तो इस तरीके से दोस्तों यार फीचर काम करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।